नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। दरभंगा एयरपोर्ट के लिए मास्टर प्लान तैयार हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर इस समय है। दरभंगा एयरपोर्ट पर जो भी समस्याएं आ रही हैं उसे दूर करने के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन ने सांसद गोपाल जी ठाकुर को चिट्ठी लिखी है और चिट्ठी में सारी समस्याओं का जिक्र करते हुए कहा है कि मास्टर प्लान तैयार है और उसी के तहत काम किया जा रहा है। और सबसे अहम चीज़ जो बताई है वो सब कुछ डिटेल में बताएंगे, लेकिन ये जानकारी गोपाल जी ठाकुर ने ट्वीट करके दी है कि 31 मार्च को जो उन्होंने चिट्ठी भेजी थी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष को, उसका जवाब आया है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष का, सकारात्मक संदेश प्राप्त हुआ है। ये गोपाल जी ठाकुर ने ट्वीट कर बताया। और संजीव कुमार हैं अध्यक्ष चेयरमैन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के, और उन्होंने ये चिट्ठी दिखाई है। चिट्ठी में सांसद ने बताया है और इसमें चिट्ठी में विषय लिखा हुआ है दरभंगा एयरपोर्ट के विकास के संदर्भ में। और सबसे अहम चीज़ है कि इसमें ये कहा गया है कि हम मौजूदा टर्मिनल भवन के विस्तार के लिए हमने भारतीय वायुसेना से 2.42 एकड़ यानी करीबन 2.5 एकड़ अतिरिक्त भूमि प्राप्त करने के लिए उनसे गुजारिश की है। और साथ ही ये भी बताया है कि पर्याप्त पार्किंग और शहर की तरफ से एक बड़े टर्मिनल भवन की आवश्यकता होगी और इसके लिए कैट वन जो अप्रोच लाइट है उसके लिए भी काम हो रहा है और कार्गो सुविधाएं को भी बढ़ाने के लिए उसके लिए भी जो है रणनीति बनाई गई है। और साथ ही उच्च स्तरीय टीम ने हाल फिलहाल में जांच की थी तो जो ज़मीन सिविल इनक्लेव के लिए दी है प्रशासन ने, बिहार सरकार ने, वो उपयुक्त बताया है। और उन्होंने ये भी कहा है कि मास्टर प्लान तैयार है और इसी के तहत काम हो रहा है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा, चिट्ठी में बताया कि यात्रियों के टर्मिनल बिल्डिंग में सिटी साइड में मूलभूत सुविधाएं जैसे टॉयलेट की सुविधा या वेटिंग शेड की सुविधा, वेटिंग शेड से टर्मिनल बिल्डिंग तक वाहन की सुविधा, मेन गेट से टर्मिनल तक के तमाम तरह के रोड कनेक्टिविटी सब का जिक्र किया है उन्होंने कि जो भी समस्याएँ आ रही हैं उसको वो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के संज्ञान में हो। इस बीच जो दरभंगा कमिश्नर मनीष कुमार, उन्होंने भी अभी हाल फिलहाल में कहा है कि दरभंगा एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने वाला है, इसलिए वाहन परिचालन के लिए दरभंगा मधुबनी समस्तीपुर जिले के लगभग 500 नए रूट चिन्हित करने के लिए कहा है उन्होंने अपने परिवहन विभाग को कि चिन्हित कीजिए कि ताकि लोग यहां पर जब आएंगे, जब यहां पर ज़्यादा एक्टिविटी होगी तो यहां से बसों का परिचालन ठीक से किया जाए और रूट को चिन्हित किया जाए, नए नए रूट्स तैयार किए जाएँ। तो पूरी तरह से तैयारी अंदर खाने हो रही है चीज़ें, और लेकिन थोड़ा समय लगेगा इसमें और वो समय हालांकि पता नहीं है कि कितना लगेगा, लेकिन ये जानकारी में है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की कि यहाँ क्या परेशानी है और आने वाले दिनों में मास्टर प्लान के तहत काम किया जाएगा। ऐसी प्लानिंग की हुई है केंद्र सरकार ने और बिहार सरकार ने और इस तरीके से उस पर काम हो रहा है। और ये बड़ी चीज़ है कि मास्टर प्लान के तहत सारा काम होगा, लेकिन उसके लिए जो ज़मीन अधिग्रहण का है काम है वो सबसे ज़रूरी है। सबसे जो अहम बात है वो 2.42 एकड़ ज़मीन जो एक्स्ट्रा मांगी जा रही है ताकि जो मौजूदा टर्मिनल भवन है एप्रोन है उसका विस्तार करने के लिए, और उतनी जगह मिल जाएगी अगर तो बाकी जो एयरलाइंस कंपनियाँ आएंगी या फिर जो ज़रूरत पड़ेगी और जगह की उसकी पूर्ति की जा सकेगी। तो बड़ी चीज़ ये है कि काम इस पर चल रहा है और उम्मीद यही है कि आने वाले कुछ एक महीनों में अच्छी खबर मिल सकती है। अगर हरदीप सिंह पुरी यहाँ आते हैं इस महीने तो कुछ खुशखबरी लेकर के आएंगे। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो के साथ हाजिर होंगे, आप देखते ही दरभंगा रॉक्स और हमारे सहयोगी बिहार स्पॉट भी। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।